मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसका शव जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के उद्दीनपुर से बरामद हुआ। उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों को घर से बुलाकर ले जाया गया था। बताया जाता है कि पैसे के लेन देन में घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पर गायघाट व बोचहा थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले को लेकर दो पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतक की पहचान बोचहा थाना क्षेत्र के उनसर के कल्याण गाँव निवासी राम रेखा साहनी के 35 वर्षीय पुत्र शंभू साहनी के रूप में हुई है। हत्या की जानकारी मिलने पर मृतक शंभू साहनी के गांव के लोगों ने राकेश राय नामक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके घर को घेरकर हंगामा किया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि राकेश राय ने शंभू व चंदन को फोन कर गांव के पास बुलाया था। लोगों का कहना था कि दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद उसे लेकर गायघाट थाना क्षेत्र के गौसुद्दीनपुर गांव की ओर निकल पड़े। गाड़ी में दोनों के साथ 8-10 लोगों ने मारपीट की। चंदन के पिता रास्ते में ही मछली मार रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ आरोपित और उसके साथियों को मारपीट करते देख लिया। बीच बचाव करने पर आरोपियों ने चंदन के पिता इंदल साहनी को भी चाकू मार दिया। इसके बाद सभी शंभू को लेकर भाग गए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि घटना की सूचना गायघाट थाना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर लेनदेन में हत्या की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आरोपित राकेश राय और मृतक के बीच रुपए के लेन देन को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। क्या घटना हुई थी? घटना ये सर, जो सुबह में हम खाना बनाते, राकेश राय फोन किया, फोन हम रिसीव किए, बोला शंभू का हम कल जो नहीं है घर पे तो बात कराइए। तेको दोसर घर के ससुर लगता है, उसको भी ले गया, बोला के फोन करके दूरा पर से किरने पर को उसको भी ले गया, उसको धमका उमका के और गाड़ी में बैठा के मारपीट के उसको फोन करवाया जो तू फोन करो शंभू के पास। वो फोन किया, फोन हम ले रखे थे, फोन किया तो बोलो जो शंभू का हम कल शंभू ना ये गाछे में तो मैं बात करा। हम पूछे तुम कहाँ पे हो? तो बोला कि हम सोलर तरह तो बोला कि राकेश राय हमें किडनैप करके मार रहा है, उसको बहुत भी मारा और हर चीज करके उसको रखा था। बोल शंभू के भी बोला के ले गया, बहुत मार मारा उसको, मारते मारते मार ही दिया जान से सर। और मार के वो निकाल चोर में फेंक दिया था दूसरा चोर ने। कहाँ की घटना है? कल्याणा मुन्नी कल्याणा के घर के गायघाट के है। रहने वाले कहाँ के हैं? कल्याणा पर के मुन्नी कल्याणा के है। क्या नाम हो गया मृतक का? शंभू साहनी है। कितना उम्र रहा होगा? 25-26 साल के था। कौन है मृतक के? हम पत्नी है उसको। क्या नाम है आपका? पूजा देवी है। एक तो बच्चा ना है सर। जब फोन किए तो बोला कि जब हम सीतामढ़ी में है, जब फोन करते बोला कि हम पला जगह हम कहीं बात कराए तो बात कराते हैं, आते हैं 10 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, बात नहीं कराते थे। उसको बीवी के फोन किए रखे जरा कि हम कहीं बात नहीं कराते हैं, बाबा बात कराइए ना, बात कराए तो नहीं बात करा, कुछ नहीं करेंगे। मार के शाम को 5 बजे में उधर उजल दिया। तो गांव के माले था, वो फोन किया गांव के घर पर मोबाइल पे, जब फला के लाश मिला यहाँ पर जल्दी से तुम लोग आ जाओ ना तो मर जाएगा। तो मरा था तो सब लोग गए तो उसको उठा पुठा के लाए, लेकिन पुलिस उलिस गए कंप्लेट लिखा ले, लेकिन बचा था ना मैं तो सबको धक्का मार के मोबाइल वाल छीन के भगा दिए थे, कोई नहीं साथ दे रहा है। सबको राकेश राय पैसा से मुँह बंद कर रखे है। उसको बीवी घर छोड़ के सारे लोग भाग चुके हैं, घर में कोई नहीं है, घर पे भी नहीं है, कोई नहीं है। यार दिन होवे करता है, बाहर से आए 6-7 महीना पर आए, हम दोनों प्राणी बाहर से आए थे। घटना हम वही तर नहीं थे, हम सर जाकर देखे तो लाश मरा था। कहाँ पर लाश? गास्तीपुर। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम है मतलब शंभू साहनी। घायल दोनों आदमी, दोनों मरा हुआ है, वो तो घायल थोड़े है, उसको कोनो की होश थोड़े है। इलाज चल रहा है ना? हाँ इलाज चल रहा है। उनका क्या नाम है? अथी है नाम चंदन साहनी। कहाँ की घटना है? घटना है मतलब जो है गास्तीपुर। रहने वाले कहाँ के हैं? दोनों है कल्याणा के। कल्याणा हम है मतलब उनको पितिया। क्या नाम हो गया आपका? सत्यनारायण साहनी।